हजारीबाग कांग्रेस जिला सचिव राजेश गुप्ता सहित दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। पार्टी में सभी सम्मानित नेताओं व कार्यकर्ताओं का भाजपा का पट्टा व माला पहनाकर प्रदीप प्रसाद ने स्वागत किया। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि मोदी का परिवार में आप सभी का स्वागत है, राष्ट्र निर्माण में आप सबकी सहभागिता अहम भूमिका में होगी। श्री प्रसाद ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगा, आशा है कि आप सभी साथियों के आने से संगठन और मजबूत होगा और इस बार लोकसभा चुनाव से में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मनीष अजवाल की प्रचंड जीत दर्ज होगी। राजेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में घुटन सी महसूस होती थी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के सदस्यता को रिजाइन कर भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था और विश्वास जताया है, इसलिए प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में आज पूरे टीम के साथ भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। मुख्य रूप से कांग्रेस छोड़कर भाजपा का सदस्यता लेने वाले में हजारीबाग कांग्रेस जिला सचिव राजेश गुप्ता, कटकमदाग ओबीसी मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार, पसई पंचायत के उपमुखिया दिनेश कुमार, शैलेश कुमार, श्री अनिल कुमार साहू, सुरेंद्र प्रसाद, शिवशंकर प्रसाद गुप्ता, महिला सदर प्रखंड अध्यक्ष पिंकी राणा, शारदा देवी, कलावती देवी, मुनेश्वरी देवी, सरस्वती देवी, मुनिया देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, प्रदीप कुमार यादव, ललन कुमार, पिंटू कुमार, संटू कुमार सहित दर्जनों समर्थकों ने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। बोलिए। मैं राजेश कुमार गुप्ता, कांग्रेस जिला सचिव। मैं 17 साल से लंबे समय हम लोग कांग्रेस में रह करके आज हम कांग्रेस में अपना इस्तीफा दे करके और बीजेपी आज ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने में आज मोदी जी का जो कार्यशैली देख करके हम लोग प्रभावित होकर के अब की बार 400 पार का जो नारा है उनकी आवाज़ को बुलंदी करने के लिए हमने जितने भी उनकी कार्यशैली है बहुत अच्छा लगा। आज जो देख रहे हैं हजारीबाग में मेट्रो वंदे भारत और ये जो आप देख रहे हैं हाईवे जो चारों तरफ बन रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, इनके कार्यशैली देख करके आज एट लाइन का जो काम जोरों शोरों से हो रही है और हम लोग जितने भी कांग्रेस के हमारे मुकेश भाई हैं, सुरेंद्र जी हैं, सब हम लोग आज कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार गुप्ता, जिला सचिव और सह अभी वर्तमान विधानसभा प्रभारी भी थे। बोलिए। मैं मुकेश कुमार साहब, कटकमदाग प्रखंड के ओबीसी प्रखंड अध्यक्ष, और मैं कांग्रेस में करीबन 17 साल से था, लेकिन वहाँ कोई कार्यकर्ताओं के पूछ नहीं थे और उस पार्टी में कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता था, आम जन का तो बात छोड़ ही दीजिए, है ना। और अभी जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के सबके साथ सबके विकास का जो विजन है जो चल रहा है उससे मैं प्रभावित होकर और यहाँ जन जन के नेता मनीष भैया और हमारे प्रदीप भैया के कार्यशैली को जो है सो हम बहुत प्रभावित होकर इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आगे जो भी दोनों नेताओं के आदेश के अनुसार जो भी पार्टी में पदभार मिलेगा या कोई कार्य मिलेगा उसको हम एक सेवक के रूप में काम करूँगा। मैं पिंकी राणा, कांग्रेस पार्टी प्रखंड अध्यक्ष थी। कांग्रेस में लगभग 8 या 9 साल का लगभग में थे, लेकिन हमको वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं था और हमारे जिला के लिए खास करके हमारे हजारीबाग जिला के लिए कुछ अभी तक सुनाया नहीं हुआ, इसीलिए हम उसको रिजाइन मार दिया और आज हम बीजेपी में ज्वाइनिंग लिए हैं। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में और उनके उम्मीदवारों में हमको लगा कि हम महिलाओं मिल के मोदी जी को सहयोग करें और हमारे मनीष जायसवाल को सहयोग करें और हमारे प्रदीप प्रसाद को सहयोग करें। हम लोग महिला और नारी भारतीय में हम लोग एक हैं और एक ही रहेंगे। हम बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग ले लिए हैं और यहाँ से हम लोग अब लग रहा है कि हम लोग अपना घर में आ गए हैं।